नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। डीएम ने इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ई डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में स्थापित निर्वाचन नियंत्रण कक्ष एवं शिकायत सेल तथा व्यय नियंत्रण कक्ष का जिलाधिकारी मोनिका रानी ने आकस्मिक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान डीएम मोनिका रानी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण का जायजा लेते हुए निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्धता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया निगरानी सेल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिया कि प्रतिदिन देखे जा रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व चैनलों का विवरण भी रजिस्टर में अंकित किया जाए। कंट्रोल रूम के निरीक्षण के दौरान तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिया कि मतदाता पर्ची वितरण अभियान का कंट्रोल रूम के माध्यम से सत्यापन किया जाए, जहां पर वितरण कम पाया जाए वहां वितरण में सुधार लाया जाए। इस संबंध में उन्होंने डीपीआरओ, डीएसओ, डीपीओ, सीएमओ को निर्देश दिया कि ग्राम प्रधानों, कोटेदारों, सचिवों, एएनएम, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के माध्यम से बीएलओ से समन्वय कर शत प्रतिशत मतदाता पर्ची का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। जहां पर वितरण की प्रगति कम पाई जाए वहां पर विशेष प्रयास कर शत प्रतिशत पर्ची का वितरण कराया जाए। मतदाता पर्ची वितरण कार्य का डे बाई डे समीक्षा भी की जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।